यह धारावाहिक पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। इस धारावाहिक की कहानी जुर्म की वो उलझी हुई गुत्थी है जिसे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ और होशियारी के बल पर अपनी जान की बाजी लगाकर सुलझाया है और पुलिस विभाग के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। फिल्मांकन की आवश्यकता अनुसार कहानी में थोड़ा बहुत संपादन किया गया है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मूल कहानी यथावत रहे। किसने किया है जुर्म हुआ है, किसने किया है इसका कोई ज्ञान नहीं। गुमनाम किसी के नाम की है ये क्या ऐसा हो सकता है अपने ही शरीर का आधा भाग अपने शरीर को तकलीफ दे। अर्धांगनी शरीर का आधा भाग यानी हर चीज में आधी भागीदारी। कहते हैं औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है, तो फिर कोई कैसे स्वर्ग निर्माता को प्रताड़ित कर सकता है। ऑर्डर ऑर्डर। सेक्शन 498 ए आईपीसी के तहत मुलजिम योगेश कुमार, माता संगीता कुमारी, पिता सुनील कुमार और भाई दीपक कुमार के खिलाफ फरियादी ममता कुमारी ने केस फाइल किया था, लेकिन दोनों पक्षों ने एक ही फरियाद पेश की है। इसके तहत मुलजिम योगेश कुमार और उनके परिजनों ने यह आश्वासन दिया है कि वे भविष्य में ममता कुमारी के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। इनके आपसी सहमति और रजामंदी को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट यह केस यहीं क्लोज करती है, लेकिन भविष्य में ममता कुमारी को अगर घरेलू हिंसा के तहत परेशान किया जाता है तो ममता कुमारी उन्हें न्याय के लिए गुहार कर सकते हैं। छह 9/21 को मैं यहाँ बाहर थाने के बाहर खड़ी होकर के अपने जाब्ते को कुछ निर्देश दे रही थी, तो उसी समय एक महिला लंगड़ाती सी थाने में आई। तो उससे जब मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बात है, तुम क्यों आई हो थाने में, कि साहब मेरे साथ मेरे पति ने मारपीट करी है, मेरे सास ससुर और देवर ने भी मारपीट करी है, मुझे खड़े रह करके पिटवाया है। तो मैंने उसको अपने चैम्बर में लेकर आई, मैंने कहा बता तेरे कहीं चोट आई है क्या। तो जब उसने मुझे अपनी चोटें बताई तो उसकी चोटें देख करके एक बार मन इतना द्रवित हो गया, मतलब आँखों में आंसू आ गए कि उसके शरीर पर 22 चोटें थी। अगर आप अकेले हो और क्रिमिनल ज्यादा हो तो आपको हिम्मत से और समझदारी से काम लेना होता है। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आपको हार नहीं माननी है, डट कर मुकाबला करना है। यस मैम। वेरी गुड। धर्मेंद्र वो देखो तो जरा, वो औरत लंगड़ाती हुई क्यों आ रही है, जरा पता करो तो क्या बात है। क्या हुआ? जी जी मुझे मैडम से बात करनी है। सर ये क्या हुआ? मुझे मैडम से बात करनी, मुझे बहुत मारा है। ठीक है,
मैं उनसे बात कर लेती हूँ, आप लोग चलिए अपना अपना काम कीजिए। ठीक है मैडम, ये आपसे बात करना था। मैं मेरा नाम ममता है। मुझे बहुत दूर मिलते थे मारा है मैडम उन्होंने, देखिए किस तरीके से हाथ पे मारा है। क्या तुम इसी वजह से लंगड़ाते हो रही हो? जी मैडम, वो लोग जानवर है वो लोग। धर्मेंद्र जी आप इन्हें अंदर लेके आइए। हाँ ममता बताओ। देखो ममता, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, आप बैठो और मुझे अच्छे से बताओ क्या बात है। बैठो मैं, मेरे सास ससुर देवा सब लोग मुझे बहुत परेशान करते, उस दिन भर मुझे ताने देते रहते। तो क्या तुम्हारा पति कुछ नहीं कहता? मैं मेरे पति मेरी सुनते ही गाए, वो तो अपने घर वालों की सुनकर मुझसे दुर्व्यवहार करके मुझे बहुत मारते। मेरी 3 साल की बच्ची है, उसके हो जाने के बाद तो मेरा जीना ही मुश्किल हो गया उस घर में। वो कैसे? तो जब उसने मुझे अपनी चोटें बताई तो उसकी चोटें देख करके एक बार मन इतना द्रवित हो गया, मतलब आंखों में आंसू आ गए कि उसके शरीर पर 22 चोटें थी और इतनी ज़्यादा चोटें थी उसके शरीर पर कि मन में ये ख्याल आया कि यार इसके इतनी सारी चोटें इसीलिए है कि ये महिला है, ये पत्नी है और इसके साथ इतनी निर्दयता उन लोगों ने करी है। ये भी धो लेना। मम्मी जी मैंने वॉशिंग मशीन में धो लूं। बिजली का बिल क्या तेरा बाप देगा? मम्मी जी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उन्हें देखने जाना है, मैंने कल धो दूंगी। मम्मी बीमार है ना, मरी तो नहीं ना? आज ही धो, अभी धो। भाभी मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दो, मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। जी भैया, एक मिनट, मुन्नी को खाना खिला के फिर मैं कर दूँगा। मुन्नी को खाना बाद में खिला देना, मैं वैसे ही लेट हो चुका हूँ। भैया मैं मुन्नी को 2 मिनट खाना तो खिला दूँ, उसके बाद करती हूँ। क्या हुआ दीपक? भैया मैंने भाभी से प्रेस करने को बोला तो ये ड्रामे कर रही है, बोल रही है बाद में कर दूंगी। दीपक भैया मैंने आपसे कब बोला? देखो आप झूठा बता रही है। मैंने बोला मैं मुन्नी को खाना खिला के फिर कर दूंगी। मुन्नी थोड़ी देर खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी? वो लेट हो रहा है, पहले उसके कपड़ों पे प्रेस कर। देखिए आप क्या बोल रहे हैं मुन्नी, आपकी भी तो बच्ची है ना। लेकिन जब इन्हें ये पता लगा कि अब हमें सजा होने वाली है, इनके एडवोकेट ने इनको बताया होगा, तो इन लोगों ने उस लड़की से कंप्रोमाइज़ किया। लेकिन उस चीज़ की खुन्नस इनको तब तक थी जब तक कि दोबारा इन्होंने हर छोटी छोटी बात पे उसे मारना पीटना परेशान करना, उसके साथ मतलब उसको पैसों के लिए मोहताज रखना, खर्चा नहीं देना, उसकी 1-3 साल की छोटी बच्ची थी उसकी भी अच्छे से देखभाल नहीं करना, ये उस राजीनामे के कारण उसे भार स्वरूप इन्होंने अपने घर में रखा हुआ था।
आपका तोड़ दिया। जी पापा जी, वो मेरे हाथों से कब छूट गया था? ये तेरे बाप ने देर में नहीं दिया, जो ये खून पसीने कमाई से आता है, वो आए तेरे कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है। अब जाए ना तो आपने बाप के घर से लेके आना। इसने फिर कुछ तोड़ दिया क्या? और तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? अभी बताता हूँ मैं तुझे। प्लीज मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। सुनिए मेरा, लग गई मैंने जान बुझ के। लग गई? तुझे समझ भी नहीं आता, तुझे अब समझ में आएगा। मैंने जान बुझ के नहीं करा, मुझे ये सब जान बुझ के करती है ताकि घर बर्बाद हो सके। तेरे लिए हाथों से तोड़ती है तू? तेरे तुझे मैं बताता हूँ कि तू कैसे। और सुन, आज के बाद अगर तूने तोड़ा ना कुछ तो तुझे जान से मार दूँ मैं, समझ गई? फालतू का पैसा नहीं है फिर बड्डे बड्डे मनाने के लिए। हम पिछले साल भी नहीं मना पाए थे तो क्या? ए, क्या चौथे सिखा रही है मेरे बेटे को? हाँ, ये बड्डे बड्डे हमारे खानदान में नहीं बनते। जी कल ताऊ जी के पोते का भी तो बर्थडे मनाया। हाँ तो इस घर का चिराग है वो, खानदान का चिराग है। पर मम्मी जी, आजकल तो लड़का लड़की सब एक समान है। अच्छा छोरा, सुन रहे ना तू? मम्मी, सुन रहा है ना? आप बाहर जाइए, इसकी जबान ज्यादा ही चलने लगी है, तुझे मैं समझाता हूँ। क्यों, क्या सोच रही तू, मैं फिर से थाने में भिजवाएगी? उसके भाई को हमने फोन किया, उसके भाई को फोन करके कहा कि
आप तुरंत छबड़ा, उसका पियर छबड़ा था, छबड़ा से उसका भाई आया, मतलब उसके भाई को तो हमने एक तरह से फटकार ही लगाई कि ऐसे ऐसे निर्दयी लोगों के पास तूने अपनी बहन को क्यों छोड़ा हुआ है। बैठिए बैठिए। ये ममता की मेडिकल रिपोर्ट है और 22 चोट है और एक ही बर्तन से मारा गया है। जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलती ना, ये लोग बाज नहीं आते। हमें इनके खिलाफ ठोस से ठोस कदम उठाना होगा। मैडम, इन लोगों ने मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया है, न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं ये लोग। मैडम, हम तो ये चाह रहे थे कि बहन का घर बसा रहे, इसकी एक छोटी सी बच्ची है, इसलिए हमने इसको ससुराल भेज दिया। के भाई ने एक कार इसको दहेज में दी थी, एक कार इनको उसको दी थी, उसका उसने बताया पीड़िता ने कि मेरे भाई ने, इन लोगों ने डिमांड करी थी कार की, और तब एक कार शादी में दी थी इसको, तो उस कार की इन लोगों के द्वारा किस्तें नहीं दी गई। इनकी डिमांड थी कि ये किस्तें तुम्हारा भाई से ही दिलाओ, तुम्हारा भाई देगा, तो उस कार को फाइनेंस कंपनी वाले उठा कर ले गए, उसको सीज कर दिया। इस बात से वो ये लोग इस लड़की से और ज़्यादा नाराज़ हो गए और फिर इन्होंने इसके ऊपर शारीरिक अत्याचार करना शुरू कर दिया। योगेश है? हाँ। किस्त जमा करा, गाड़ी चलाने का शौक है तो चाबी ले ले। हाँ हाँ, हम तो भिखारी है ना। तो पापा जी, मैंने ऐसा कब कहा? क्या मतलब है तुम्हारा ये कहने का? किस्त नहीं भरनी थी तो कार क्यों दी? नाम तो हुआ तुम लोगों का कि साहब दहेज में कार दिए और किस्त भरे हम। वाह, क्या चालाकी है तुम लोगों की। वाह वाह, घूमो आप और किस्त हम भरे। भैया, आप हमेशा मेरी बात को उल्टा ही क्यों लेते हो? हाय राम, इसकी जबान कितनी लंबी हो गई है। मेरे सामने मेरे बेटे को कितना भला बुरा बोलती है। लगता है तेरे माँ बाप ने कुछ लखने नहीं सिखाए। आप लोग क्यों बात बात मेरे माँ बाप को ले आते हो? मेरी माँ के सामने जबान चलाती है? रुक, आ तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ।
जंगली जानवर है वो लोग। मुझे इंसाफ दिलाइए मैडम, मुझे इंसाफ चाहिए। आप भी तो एक माँ है, एक औरत है, तो आप मेरा दर्द अच्छे से समझ सकती है मैडम। इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ चाहिए मुझे। हेलो, जाप्ता तैयार रखो, मैं आ रही हूँ अभी। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये जाहिद खान जी भी अपनी FIR टीम के साथ एक बहुत ही सकारात्मक पहल इन्होंने करी है। और मैं इनके माध्यम से ये भी संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी महिला के साथ यदि कहीं पर भी कोई अत्याचार हो रहा है तो उसे रोको। आप खड़े खड़े चुप होकर के मत देखो, ये मत देखो कि यार ये इनके आपस का घर का मामला है। आप उनके बीच में अगर बोलोगे तो हो सकता है वो महिला पिट रही हो तो उसका वो ही रुक जाए, हो सकता है वो समाज के डर से, शर्म से उस महिला के साथ अत्याचार करना बंद कर दें। हम लोग आजकल इतने अकेले हो गए हैं कि हमने पड़ोसियों के बीच में बोलना ही बंद कर दिया है, और इसी से महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा बढ़ी है, जो महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़े हैं, उसका सबसे बड़ा कारण मैंने ये महसूस किया है। तो मैं जाहिद खान और उनकी टीम के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगी कि आप अपराध अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाइए, बोलिए। आप थाने तक नहीं आना चाहते मत आइए, लेकिन आप कम से कम उसे बचाने तो जाइए। एक औरत माँ, बहन, बेटी, बहू और पत्नी के रूप में कई जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन जब एक औरत शादी होकर अपने पति के घर जाती है तो वो अपने पति के माता पिता को भी अपने माता पिता की तरह समझती है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बहू को भी अपनी बेटी ही समझते हैं। जैसा ममता के साथ हुआ वैसा ही अगर योगेश की बहन के साथ होता तो उसके परिवार पे क्या बीत। पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मैं जाहिद खान FIR TV सीरियल के लिए अगले हफ्ते आपसे फिर एक नई कहानी के साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।